Myself Rakesh Kumar, best teacher of Shivaji Group of Institute. मैं क्लास में एयर क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है. बच्चों एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 17. किसी आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 4/5 है. यदि परिमाप तो हम मान लेते हैं माना आयत की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर, तब चौड़ाई बराबर लंबाई की 4/5 है, तब चौड़ाई बराबर x का 4/5 बराबर x गुणा 4/5 या 4x/5 सेंटीमीटर. ये इसकी चौड़ाई हो गई. अब कह रहा है यदि परिमाप 180 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए. तो आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर आयत का परिमाप. आयत का परिमाप तो 2 ब्रैकेट लंबाई कितनी है, आयत की लंबाई x है और प्लस चौड़ाई 4x/5 है और बराबर आयत का परिमाप 180 सेंटीमीटर है. तो पहले तो एलसीएम ले लें और 2 को इस तरफ भेज दें. तो इधर हो गया 5 और ये हो गया 5x प्लस 4x बराबर इसमें 2 180/2 तो 2 से 90 रह गया है. ऊपर हो गया 9x इक्वल्स टू 90 × 5 तो x इज इक्वल्स टू 90 × 5/9 तो हो गया 10 तो x इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर. आयत की लंबाई 1 सेंटीमीटर थी, लंबाई बराबर कितनी आ गई, लंबाई बराबर 50 सेंटीमीटर, तब चौड़ाई बराबर 4x यानी 50 × 4/10 5 से काट दिया 10 हो गया बराबर 40 सेंटीमीटर. चौड़ाई 40 सेंटीमीटर हो गई, लंबाई 50 सेंटीमीटर हो गई, तब आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर लंबाई है 50 गुणा चौड़ाई है 40 बराबर 5 × 20 और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल मिल गया. अब अगला नंबर है 18 आप कर सकते हैं. 19 नंबर में है किसी त्रिभुज के 2 कोणों का अनुपात 2:3 है. अनुपात क्या है, अनुपात बराबर 2:3 तो यहां पर ले माना आनुपातिक गुणांक बराबर आनुपातिक गुणांक बराबर x, तब पहला कोण बराबर 2x डिग्री और दूसरा कोण बराबर 3x डिग्री. अब तीसरा कोण बराबर इन दोनों के योग के बराबर है तो 2x प्लस 3x बराबर 5x डिग्री. प्रश्नानुसार तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है तो 2x प्लस 3x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. और हमने क्या क्यों कहा,
त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इस दर जोड़ दें तो हो गया 10x, 2 3 5 5 10x बराबर 180। तो x बराबर 180 बटे 10, तो 0 0 काट दिया, बराबर 18। तो कोण, पहला कोण बराबर 2x था, तो 2 × 18 = 36 डिग्री। दूसरा बराबर 3x था, तो 3 × 18 54 डिग्री हो गया। तीसरा कोण बराबर 5 × 18 बराबर 18 × 5 = 90 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों अंतर कोण मालूम हुए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। चूंकि ये आयु से संबंधित है, बीच वाले प्रश्नों को आप नया ट्राई करोगे, उम्मीद है कि सभी को आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 में है, अमन के पिताजी अमन से 5 गुना बड़े हैं। तो मान लेते हैं, माना अमन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, तब पिता की वर्तमान आयु बराबर 5x वर्ष, क्योंकि अमन से पिता 5 गुने बड़े हैं। 5 वर्ष बाद, अब यहां पर लिखते हैं अमन और पिता, अमन है x वर्ष तो पिता है 5x वर्ष। अब इन्होंने कहा 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु की 4 गुनी हो जाएगी। तो अब 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद तो अमन भी 5 वर्ष बाद ज्यादा हो जाएंगे और 5 वर्ष ये भी ज्यादा हो जाएंगे, तो +5 और +5। लेकिन अब इनमें रिलेशन हो गया पिता और पुत्र में, कि पुत्र का अब ये 4 गुना रह गया है। तो इसका मतलब है अगर हम पुत्र में 4 गुना कर दें तो पिता और पुत्र बराबर हो जाएंगे। तो अब इसका गुणा इसमें कर दें तो हो गया 4x + 20 = 5x + 5। 5x को इधर ले आए तो ये हो गया 4x - 5x = 5 - 20। तो -x = -15, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो अमन की वर्तमान आयु, आंसर मिल गए, अमन की वर्तमान आयु बराबर 15 वर्ष, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु बराबर कितने वर्ष हो जाएगी, 5 गुना था, 15 × 5 = 75 वर्ष। तो बच्चों ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 25 भी है, जिसको आप कर सकते हैं, ट्राई करेंगे तो आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.2 कंप्लीट हो गई। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही, आगे